हरदा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में तीसरी क्लास के बच्चे के परिजनों ने समय पर स्कूल की फीस जमा नहीं करने पर स्कूल ने फरमान जारी करते हुए बच्चों को जमीन पर बिठाकर सजा दी गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में ही शिक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का वादा कर रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के हरदा जिले की यह तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। यह हरदा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर प्राइवेट स्कूल का मामला सामने आया है, जहां पर तीसरी क्लास के बच्चे के परिजन के द्वारा समय पर फीस न भरने को लेकर स्कूल प्रबंधक के द्वारा जमीन पर बिठाया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे की तबीयत खराब हो गई। बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं होने पर स्कूल प्रबंधक ने कार्यवाही और सजा दी। वहीं बच्चों को करीब 10 दिन से जमीन पर बिठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। परिजनों का कहना है कि आर्थिक स्थिति के कारण से अभी बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाई है, जिसके कारण स्कूल के द्वारा बच्चों को दबाव बनाया जा रहा है, जमीन पर बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल के द्वारा बच्चों को परेशान एवं सजा दी जा रही है। हरदा से अलोक गौर की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? हार्दिक माणिक। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती शिशु मंदिर हरदा। कौन सी क्लास में? तीसरी। अच्छा, अभी आपको कहाँ बैठाया जाता है, क्या दिक्कत आती है? दीदी कहती है कि जब तक फीस नहीं भरोगे जब तक नीचे बिठाएंगे। तो ये कितने दिन से आपको बिठाते हैं? 10 दिन हो गए पूरे। 10 दिन हो गए। कहाँ पे बिठाते हैं आप? नीचे। नीचे बिठा देते हैं। और बाकी जो विद्यार्थी उनको कहाँ बिठाते हैं? उनकी फीस नहीं जमा होती है तो उनको ऊपर बिठाते हैं, उसकी फीस नहीं जमा होती उसको नीचे बिठाते हैं। अच्छा, तो आपको दिक्कतें होती होगी? हाँ। जमीन पे कोई दरी वगैरह बिछी थी? नहीं। हाँ जी, आपका नाम बताएं, क्या नाम है? मदन माणिक नाम है जी। बताएं क्या मामला है? मामला ये है कि अभी बच्चे की अभी क्या परेशानी चल रही है घर पे, जरा इस वजह से फीस नहीं भर पाया है, इस वजह से बच्चे को नीचे बिठाया जा रहा है और 9 से 10 दिन हो गए हैं। इसके कारण उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार आ गया उसको। स्कूल वालों से आपने बात की, क्या कहना है? स्कूल वालों के मम्मी गई थी, उसकी दादी और उसका चाचा गया था, तो उनने भी बात करी, बोले अभी थोड़े दिन में भर देंगे, तो फिर भी नहीं, उनको बोल के आया, फिर भी बच्चों को नीचे बिठाया जा रहा है, बस और क्या है, थोड़ी सी परेशानी चल रही है, वजह से हमने बोला कि अभी थोड़ा सा समय दे दो, भर देंगे फीस। सर, कक्षा तीसरी का एक बालक है जिसने फीस नहीं भरी, उसको नीचे बिठाया जा रहा है, बाकी के छात्राओं को डेस्क पे बिठाया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। क्या नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी मेरे ध्यान में नहीं आई है। और दूसरा, इस प्रकार से कक्षा में किसी भी बच्चे के प्रति अपन कोई भेदभाव किसी भी कारण से नहीं करते हैं। हाँ, शुल्क बाकी वाला जो मामला है, तो जिन भी बच्चों का शुल्क बाकी रहता है उनके पेरेंट्स से अपन संपर्क करते हैं, नोटिस के माध्यम से उन तक सूचना पहुँचाते हैं, और घर घर संपर्क करने की भी योजना है। यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, आचार्य दीदी हैं, वो घर घर जाकर अभिभावक से संपर्क भी करते हैं और शुल्क जमा करने के संबंध में निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो निर्धारित समय सीमा है उसमें शुल्क जमा करें। बाकी शुल्क को लेके किसी बच्चे को इस प्रकार से किसी रूप में प्रताड़ित करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस किसी भी अभिभावक के द्वारा ऐसा कुछ आपको बताया गया है, सूचना दी गई है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बच्चे की तबीयत भी खराब हुई है उसके बाद में, तो क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभिभावक की ओर से भी मुझ तक नहीं आई है। वो आए भी थे आप लोगों से मिलने, लेकिन आप लोगों ने मिलने से मना किया। नहीं नहीं, ऐसे कोई भी अभिभावक नहीं आए। और सहज अपने यहाँ कार्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को रोका टोका जाए, सामान्य रूप से कोई भी यहाँ आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो पिछले लगभग 8-10 दिन के बीच तो ऐसा कोई विषय मेरे सामने आया नहीं है, ऐसे कोई अभिभावक भी नहीं आए हैं। और फिर भी यदि ऐसा कोई विषय आपके माध्यम से ये मेरी जानकारी में आया है तो मैं और उसको गहराई से पता करता हूँ, और ऐसा कोई मामला यदि होगा तो प्रयास करूँगा कि उन अभिभावक से भी मैं संपर्क और संवाद स्थापित कर सकूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।